खबर स्टेशन के हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, दशकों तक लीवर की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती रही दवा अल्जाइमर से क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाओं को फिर से दुरुस्त करने में मदद कर सकती है, एक नए अध्ययन ने ऐसा दावा किया है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि 800-डीऑक्सीकोलिक एसिड यानी कि UDCA माइक्रोकॉन्ड्रिया की शिथिलता में सुधार लाता है। इसे अल्जाइमर बीमारी के दोनों प्रकारों का मुख्य कारक माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तंत्रिका कोशिकाओं के जीवित रहने और नष्ट होने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कोशिकाओं की बैटरी के तौर पर काम करते हुए मेटाबॉलिक एनर्जी के साथ साथ कोशिकाओं के नष्ट होने के रास्ते को भी नियमित करता है। शोधकर्ताओं की माने तो अल्जाइमर की बीमारी में कोशिकाओं के कई प्रकार में माइटोकॉन्ड्रिया विषमताएं देखी गई हैं। अल्जाइमर से पीड़ित लोगों की कई विभिन्न कोशिकाओं में ऊर्जा परिवर्तित होते देखी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के वरिष्ठ शोधार्थी हीथर मोर्टिवॉज ने कहा कि अल्जाइमर के वास्तविक मरीजों के ऊतकों में पहली बार इस अध्ययन ने दिखाया कि UDCA एसिड दवा कोशिकाओं की बैटरी कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।